नमस्कार, मुखर संवाद के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुखर संवाद आपको खबरों से रूबरू कराता है। इस समय की बड़ी खबर ये है कि राज्य में जो उपचुनाव हो रहे थे और देश में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उसके परिणाम आए हैं। और परिणाम यूं कहा जाए कि दलीय आधार पे जो सत्ताधारी दल हैं उनके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आए हैं। देश में 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने धारीवाल और बल्लभ नगर सीट पर जीत हासिल कर ली है। वहीं पश्चिम बंगाल में चारों विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी फतह दिखाई है। मध्य प्रदेश के जोबार विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस प्रत्याशी सुलोचना रावत 6000 वोटों से जीत गई हैं। यूं कहा जाए कि जो मंडी संसदीय सीट है, वहां कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने भाजपा के खुशहाल सिंह को 8766 वोटों से हरा दिया है। और हिमाचल में बड़ी खबर है कि तीनों विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी वहां जीत हासिल कर ली है। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश के जयराम मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महंगाई के कारण वो विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के जो मंडी सीट है वो हार गए हैं। एक तरह से कहा जाए महंगाई को मुद्दा बनाया है उन्होंने, यानी सीधे सीधे केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी पर इशारा है कि केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ा रही है, हिमाचल की जनता ने उसे संजीदगी से लिया है और उनको परिणाम भी चखाया है। यूं कहा जाए बीजेपी की वहाँ स्पष्ट रूप से हार हुई है और तीनों विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी ने लड़ी थे वहाँ उनको करारी शिकस्त मिली है। उसी के साथ मंडी में भी करारी शिकस्त उनको दिखाई दी है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये कहावत फिर से एक बार साबित हुआ है और नीतीश कुमार का सिक्का एक बार फिर चला है। लालू प्रसाद यादव जेल से छूटने के बाद लगभग 4 सालों के बाद अब चुनाव प्रचार में गए थे और चुनाव प्रचार में हालांकि उनकी पार्टी ने तारापुर में कड़ी टक्कर दी, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दी अंतिम में तारापुर सीट भी जदयू ने अपने कोटे में कर लिया। वहीं कुशेश्वर स्थान में आरजेडी बहुत अधिक लड़ाई में नहीं रही। इस उपचुनाव की बिहार में एक बात खास रही कि कांग्रेस को उसकी औकात पता चल गई, कांग्रेस के अंदर क्या गुटबाजी चल रही है और कांग्रेस का जो जनाधार धरातल पर नहीं है यह स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आया। और कांग्रेस की जो कुशेश्वर स्थान में हार हुआ और जो तारापुर में हार हुआ, उससे यही लगता है कि अगर आरजेडी उसके साथ नहीं रहे तो कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। यूँ कहा जाए कि बिहार में औकात दिखाने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने दिखाई थी और निश्चित रूप से उनके जो बिहार कांग्रेस प्रभारी थे भक्त चरण दास, वो यहाँ भक्चोनर ही साबित हुए हैं। यूँ कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव ने जो भक्चोनर शब्द का उपयोग किया था वो यहाँ पर उनके लिए सटीक बैठा, यानी यूँ कहा जाए कि जो कांग्रेस है कांग्रेस की जमीनी स्थिति यहाँ पर पता चल गई। वहीं जो अब बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पे खंडवा लोकसभा सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में गई है और वहाँ पे जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। वहीं यूं कहा जाए कि राजस्थान में कांग्रेस ने दोनों सीटें जीत ली हैं, यानी सत्ताधारी दल कांग्रेस को वहाँ फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। और पश्चिम बंगाल में की बात करें तो TMC ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में अस्पष्ट बहुमत यानी कि अस्पष्ट जीत हासिल की है। कहीं टक्कर में कोई राजनीतिक दल वहां दिखाई नहीं दिया और TMC ने अच्छी जीत वहां हासिल की है। वहीं हरियाणा में अगर बात करें तो एनेनाबाद जो सीट है वहां पे इनलोवा के जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो उनके बेटे जो हैं अभय चौटाला, वो जीत चुके हैं। और ऐसे में कहा जाए कि मध्य प्रदेश में जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने जीत दर्ज की है। असम में भाजपा ने दोनों सीटें जो उपचुनाव के हो रही थी वहाँ सीटें जीती हैं, जबकि कर्नाटक में एक कांग्रेस और भाजपा के खाते में गई है। यूँ कहा जाए कि पूरे अगर उपचुनाव को अगर देखेंगे गंभीरता से और राजनीतिक दल जब अपने गृह विश्लेषण में बैठेंगे तो सत्ताधारियों को यहाँ फायदा होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह की बातें हिमाचल में दिखाई दी कि सत्ताधारी दल को वहाँ करारी शिकस्त मिली है, तो एक तरह से महंगाई बड़ा मुद्दा वहाँ बनकर सामने आई है। यानी तमाम उपचुनाव में जो महंगाई का मुद्दा है वो केवल
हिमाचल प्रदेश में दिखाई दिया, अन्यथा सारे जगहों पर वो असफल साबित हुआ। और एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एक बड़े फेरबदल की जरूरत है। और बड़ा जानाधार, हालांकि कन्हैया आए थे चुनाव प्रचार में, कन्हैया और जिग्नेश मिवानी और कई ऐसे धुरंधर राजनीति के आए थे जिनको मीडिया हाथों हाथ देता है, लेकिन धरातल पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये उपचुनाव ने साबित कर दिया है। तो इन उपचुनाव से राजनीतिक दल सीख लेंगे और धरातल को मजबूत करने का काम करेंगे, यही शायद जनता का संदेश है। और जो सत्ताधारी दल है उनको कहीं ना कहीं उनके कार्यों की सराहना के कारण ये हो सकता है कि चुनावी जीत हासिल हुई हो। अब मुखर संवाद आपको विश्लेषण करेगा तो दूर तक बात जाएगी। इस समय इतना ही, मुखर संवाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।